ये मैं रवा डोसा बना रही हूँ, इसके लिए मैं रात को ही रवा भिगो के रख रही हूँ। ये मैं फ्री हैंड कुकिंग कर रही हूँ। ये मैंने एक इसमें कलचल में 50 ग्राम सूजी आती है, ये मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ। इसमें मैं दही का पानी डाल रही हूँ। हम इसको एक पतला बैटर बना लेंगे। हम इसे रात को ही भिगो के छोड़ देंगे। ये पेस्ट हो गया है। अब हम इसको रात को भिगो के छोड़ेंगे और सुबह को बनाएंगे। ओवरनाइट सोक करने के बाद ये ऐसा गाढ़ा पेस्ट बन गया है। इसके हम डोसे बनाएंगे। अच्छे से चला लेंगे इसको। उससे पहले हम सांभर बना लेते हैं। सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है एक कप टमाटर, एक कप कद्दू बेलिया जिसे कहते हैं पम्पकिन, एक कप फ्रांसबीन, तीन कप लौकी। अब हम इसको कुकर में डालेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे। उससे पहले पानी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। हम बना रहे हैं अब डोसे के साथ में नारियल की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है एक कप दही, आधा कप चने भुने हुए और आधा कप ग्रेटेड नारियल। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डालेंगे। चटनी बन के तैयार है, हम उसको निकाल लेंगे। जब तक सांभर के लिए सब्जी बॉइल्ड होती है तब तक मैं डोसे के लिए आलू को भून लेती हूँ। ये ऑयल गरम हो गया है, मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। धनिया पत्ती, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पत्ती, सूखा धनिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो इसमें आप प्याज भून के डाल सकते हैं। डोसे की भरावन तैयार है, अब हम डोसा बनाएंगे। इसमें सांभर मसाला डालेंगे।
अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला डालेंगे। पांच मिनट इसको रखेंगे तेज गैस पे। फिर इसको निकाल लेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे डोसे के साथ। रवा डोसा रेडी टू सर्व है। आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने व्यूज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपने सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, प्लीज़ विजिट। और इफ़ यू लाइक तो मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मैंने हरी धनिया की चटनी की रेसिपी मैंने अपने वीडियो में डाली हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।